हेलो गाइज, मैं हूँ प्रियांशु। वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड गाइज, कल वाले मतलब लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, हम गए थे स्कूल वगैरह, तो पूरा वीडियो हमारा बन चुका है। तो गाइज, आज क्या हम लोग करने वाले कि आज इतने दिन के बाद हम वापस आए घर। हम लोग गए हुए थे कहीं कोई फंक्शन वगैरह में आउट ऑफ स्टेशन, तो 4-5 दिनों के लिए, 1 वीक के लिए हम यहाँ थे नहीं। तो अभी मैं निकाल लिया हूँ बाइक का चाबी और देखते हैं बाइक इतने दिनों के बाद ऑन होती है या नहीं। ये उसका बैटरी प्रॉब्लम तो कुछ वैसा होता नहीं है, या कुछ और भी कुछ इशू तो नहीं आता बाइक पे। तो चलो फटाफट बाइक दूसरे लोकेशन पे खड़ी है, वहाँ पर से बाइक को निकालते हैं। काफ़ी गंदा भी हो गया होगा, पता नहीं। मैं तो अभी कल ही आया था, अभी देखा भी नहीं हुआ, और अभी बज रहे सुबह के 12 के अराउंड कुछ। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपना लोकेशन पे। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं अपना बाइक को रखा था। अभी देख लो, पूरा कवर्ड है, पापा इसको पूरा कवर कर दिए थे। बाकी आगे से थोड़ा खुला हुआ है, तो 1-2 दिन के बाद कवर किए थे पापा। देख सकते हो डस्ट, इसका डस्ट ये देखो। तो चलो इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं, हमारा नया बाइक। अनबॉक्सिंग आवर न्यू बाइक। तो देख लो, काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट लग रहा है। मतलब है तो अपनी ही बाइक, लेकिन इसको अनबॉक्स बार बार करने में अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों के बाद हम देखने भी वाले हैं सामने से इसको फिर से। भाई पूरा डस्ट डस्ट हो गया एकदम। अभी तो थोड़ा क्लीन करते हैं यहाँ पे, फिर उसको एक बार कोल्ड स्टार्ट करके देखेंगे कि ऑन हो पाता है या नहीं। और भाई पापा इसका हैंडल लॉक करना ही भूल गए थे। ये देखो हैंडल लॉक खुला हुआ, अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पापा यूजुअली इतना चलाते नहीं है, क्योंकि हम लोग ही चलाते हैं। पापा को उतना ध्यान नहीं रहा होगा, बाकी गेट लॉक रहता है, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो फटाफट इसको एक बार क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर एक बार कोल्ड स्टार्ट करके देखते हैं इसका बैटरी अभी है या डेड हो गया। क्योंकि गाइस 6 दिन से ऑलमोस्ट बाइक स्टार्ट नहीं हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। ये हमारी BMW की की। तो चलो फटाफट इसको ऑन करके देखते हैं ऑन होती है या नहीं होती है, क्योंकि आज 6 दिनों से काफ़ी ठंड भी यहाँ पर थी, और अभी 2 दिन थोड़ा ठंड कम है यहाँ। तो बैटरी तो भाई है, लाइट जल चुका है। चलो फाइनली अब देखते हैं सेल्फ उठा पाता है या नहीं बाइक। और यार इंडिकेटर चालू है, हाई बीम पे भी है। तो चलो अब इसको ऑन करते हैं, न्यूट्रल में है। गाइस फर्स्ट टाइम में ऑन हो चुकी बाइक, काफ़ी अच्छा लग रहा है आप देख के। इसका बैटरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, ये है 23 डिग्री सेल्सियस पे है बाइक। मतलब आप लोग समझ लो, यहाँ पे काफ़ी ठंड था, 20-22 डिग्री के आसपास इसका कूलन टेम्परेचर हो जाता है, तो काफ़ी ठंडा ही है वो। बाकी नॉर्मली अगर यहाँ का टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर वही ऑलमोस्ट 15-20 के आसपास ही चल रहा है अभी, क्योंकि ठंड यहाँ पे है अभी भी। तो चलो 5 मिनट इसको कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, और अभी बस मैं ऊपर से इसको साफ़ किया हूँ। तो चलो चलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, एक छोटा सा राइड ले लेंगे, एक छोटा सा एकदम। उसके बाद फिर मतलब छोटा सा राइड इसलिए लेना है बेसिकली कि अगर कोई तरह का कोई चीज़ में प्रॉब्लम हुआ होगा, या कोई चूहा वगैरह कोई तार वगैरह काटा होगा, तो अभी चला के हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलो फटाफट बाइक को बाहर निकालते हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर इसको चला के देखते हैं। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. तो गाइस अभी हम आते हैं थोड़ा एक छोटा सा राइट पे। तो 51 डिग्री सेल्सियस हो गया कूलिंग, तो अब चलो चलते हैं। We must never stop the way. Yeah. Light is gonna come. The birds.
clouds have just begun. तो भाई काफ़ी दिनों के बाद यहाँ झड़िया आया है, तो श्याम मंदिर तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे आना। तो बाइक को लेकर जब भी हम बाइक लेकर निकलते हैं तो यूजुअली एक बार एक ना एक बार दिन में हम लोग ट्राई करते हैं आने का यहाँ पे, क्योंकि मंदिर यार सबसे मेन है, क्योंकि श्याम बाबा के सहारे ही हम लोग हैं इतना, मतलब जो भी चल रहा है सब चीज़। तो मंदिर आना भाई कंपलसरी है, इसलिए बाइक को लेकर हम लोग जब भी निकलते हैं यहाँ पे प्रे करते हैं कि हम लोग सेफ रहे, अच्छे से राइड करें और मतलब और आगे बढ़ते जाए। आप लोगों को भी सपोर्ट रहेगा और बाबा का भी सपोर्ट है, तो चलो फटाफट दर्शन करते हैं यहाँ पे। बाइक को भी यहाँ लगा देते हैं, बाइक भी दर्शन कर लेगा, हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं। और भाई देख लो बाइक अभी हम लोग छः दिन से वॉश नहीं हुआ है, लेकिन देख लो एक जरा से भी ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक अनवॉश है, मतलब कहीं से क्रॉस कर जाओ तो लगेगा एकदम साफ़ है। यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो कितना गंदा है, ये देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मतलब यार लिटरली मैं सोचा भी नहीं था कि इतना गंदा होने वाला है बाइक। उसके चादर से झांपा हुआ था, फिर भी यहाँ पे देखो कितना डस्ट है। यहाँ देखो ये पूरा डस्टी गाइस, इसको साफ एकदम डीप क्लीनिंग करवाना पड़ेगा। मीटर पे देखो यार, ये देखो मीटर पे कितना डस्ट है। तो चलो फटाफट अब जाते हैं घर और अभी इसको रख देंगे, क्योंकि शॉप वगैरह में जाना है हम लोग को, कुछ काम वगैरह है अभी। तो हमने सोचा कि एक बार कोल्ड स्टार्ट करके देख लेते हैं, स्टार्ट हो गया बाइक चलाने में भी कोई तरह का इशू नहीं है। तो अब भाई बस थोड़ा राइड वगैरह का स्टार्ट करना है फिर से, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी दिन तक लैप्स हो गया, हम बिज़ी थे। मैंने सोचा था कि ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी यार काफ़ी ब्लॉग बनाने के बाद भी मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपने घर में वाईफाई से अपलोड कर देता हूँ। मैं जहाँ गया था मतलब नानी जी के घर गया था, उनका डेथ हो गया था तो उसके कारण ही नानी जी का, तो वो सेरेमनी मैंने सोचा था कि वहाँ पर ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन यार मतलब वहाँ जाने के बाद ऐसा मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर ब्लॉग बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ बनाया नहीं रहता। बाकी थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा शॉर्ट्स वगैरह मैं लिया हो पाएगा तो आपको दिखा दूँगा। तो चलो फटाफट बाइक लेके निकलते हैं। तो गाइस फर्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा बाइक के साथ श्याम मंदिर। तो अभी हम श्याम मंदिर पहुंच चुके हैं, देख सकते हो। सबसे पहले हम बाइक निकालने के बाद यहीं पे आते हैं एक बार श्याम मंदिर के पास, और वो भाई एक छोटा सब्सक्राइबर है हमारा वहाँ पे, देख लो अभी मिला है यार, अच्छा लगता है काफ़ी अच्छा ऐसे मिलने से किसी के साथ। तो यहाँ पे वैक्सीन भी मतलब लग रहा है अभी, पास क्रॉस होते हमने देख लिया, तो देखते हैं। मुझे मतलब वो जो बूस्टर डोज है वो लगा नहीं कोविशील्ड का, तो हो पाएगा तो यहाँ पे वैक्सीन भी अपना कंप्लीट करवा लेते, वो भी बहुत ज़रूरी है। डर लग रहा है फाइनली। मैं अभी जस्ट वैक्सीन लिया हूँ, इसलिए भाई को दे रहे चलाने के लिए, 2 मिनट रेस्ट हो गया हमारा। तो चलो गाइस फाइनली बाइक लेकर निकले, तो एक और अच्छा काम हो गया कंप्लीट हमारा। तो अभी देख लो निकलते हैं फटाफट, और हाँ इसलिए हम लोग श्याम मंदिर आते हैं। देखा हमने, मतलब कोई कुछ काम वगैरह होता नहीं है ना, यहाँ आके काम तो हो जाना है गाइस। तो चलो फटाफट चलते हैं और लास्ट में आप सबको बता दूंगा कि इस बाइक का कैसा रिव्यू वगैरह, मतलब आप लोग कितने दिन तक आराम से छोड़ के रख सकते हो। तो चलो पहले घर चलते हैं। भाई अब बात करते हैं इस बाइक को हम लोग कितने दिनों तक आराम से छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा बिना इसको ऑन किए। तो मैंने तो एक वीक छोड़ा, एक वीक में कोई ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं है। और गाइस पेट्रोल बाइक है और इसका मतलब बैटरी वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है, प्रीमियम क्लास बाइक है। तो नॉर्मली आप कोई बाइक को ऐसे अगर 1-2 महीना तक भी छोड़ते हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था। इसका बैटरी भी टेस्ट करना था मुझे, तो और इसी रीज़न से बैटरी भी टेस्ट हो गया इसका, कि मैं बाहर गया था तो आउट स्टेशन, मतलब अगर आप घर में रह रहे हो तो अगर आप ये चीज़ नहीं टेस्ट कर सकते, जैसे कि आपको मन ही करेगा कि बाइक चलाते, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो बाइक ऑफ ही रहती है। तो हमारा बाइक टेस्ट हो गया, मतलब बैटरी काफ़ी अच्छा है इसका,
तो आप लोग ऐसे यूजुअली एक मंथ लास्ट, उससे ज़्यादा मत ऐसा इसको बाइक को छोड़ना, क्योंकि यार रनिंग में जितना बाइक का केयर होता है उतना ज़्यादा अगर आप इसको रख के चलाते हो उतना केयर नहीं हो पाता है। अगर आप रखे हुए रहते हो बाइक का तो ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाती है, अगर आप चलाते हो तो कम वेयर एंड टेयर से डिप्रिशिएशन होता है। तो चलो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और गाइस गोप्रो का बैटरी डेड हो गया अभी इसलिए मैं फ़ोन से ब्लॉक कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।